गजब है गजब। किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो बिल ला रहे हैं, उससे दिक्कत तो होनी चाहिए थी बिचौलियों को। खून पसीने की कमाई का मनमाना दाम लगाने वाले आढ़तियों को, मगर इस बिल का विरोध कौन कर रहा है? और विरोध भी उस किसान के नाम पर हो रहा है जो सालों साल हाशिए पर रहा, कठपुतली की तरह जिसे इस्तेमाल किया जाता रहा। आज जब पहली बार कोई किसान की ताकत उसके अपने ही हाथों में दे रहा है, तो उसी किसान को झूठ दिखाया जा रहा है, उसे बरगलाया जा रहा है। पहले तो ये समझिए कि जो चार बड़े झूठ किसानों से जुड़े बिल के लिए फैलाए जा रहे हैं, वो हैं क्या और उनका सच क्या है। झूठ नंबर वन, सरकार MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर देगी। गजब है गजब, जिस प्रधानमंत्री ने इतिहास बदला, आपका MSP लगभग 2.5 गुना बढ़ा दिया, वो उसे खत्म कैसे कर सकते हैं? तो ये कोरा झूठ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा CAA के लिए फैलाया गया था कि उस बिल से हिंदुस्तान के मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। और आज सच आपके सामने है। असलियत तो ये है कि MSP व्यवस्था जारी रहेगी। किसान को तो एक अलग से व्यापार की ताकत मिल रही है, वो अपनी फसल APMC मंडियों के अलावा भी बेच पाएगा। झूठ नंबर दो, ये बिल किसान विरोधी है, उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। गजब है गजब, जो किसानों को उसकी ताकत उन्हीं के हाथ में दे रहा है, उसी को किसान विरोधी बताया जा रहा है। रही बात सुरक्षा की, तो आज का जो MSP सिस्टम है, वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। ये किसान की अपनी मर्जी है कि वो अपनी फसल मंडियों में बेचना चाहता है या फिर सीधे किसी व्यापारी से सौदा करना चाहता है। उसे जहां सहूलियत होगी, अच्छे दाम मिलेंगे, वो तो वहां जाएगा। दूसरा, इसमें खरीदार न केवल किसानों के लिए जरूरी गाइडेंस और खेती के मॉडर्न औजार उपलब्ध करवाएगा, बल्कि खेती से जुड़े नुकसानों को भी कम करने की कोशिश करेगा। झूठ नंबर तीन, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के साथ जोड़कर किसानों को मोदी खत्म करना चाहते हैं। गजब है गजब, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सफलतापूर्वक की जा रही है, किसान इसका फायदा उठा रहे हैं। पंजाब, तमिलनाडु और ओडिशा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए अपना अलग ही कानून पास कर चुके हैं। कांग्रेस वाली UPA सरकार खुद इसकी वकालत कर चुकी है। और अब जब मोदी देश के हर छोटे बड़े किसान को ये अधिकार दे रहे हैं, तो वो किसानों को खत्म कैसे करना चाहते हैं? झूठ नंबर चार, मोदी सरकार कुछ राज्यों द्वारा बनाए गए APMC कानूनों को निष्क्रिय करना चाहती है। गजब है गजब, ये कानून किसी APMC एक्ट पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि ये किसी के अधिकार छीनने का नहीं, किसानों को अधिकार देने का कानून है। ये तो किसानों के लिए जो नया बाजार खुलेगा, उसका कानून है। मंडियां तो ज्यों की त्यों रहेंगी। अरे भाई, कोई भी किसान किसी मंडी से बंधा क्यों रहे? वो जहां चाहे अपनी मेहनत की उपज बेचे। किसानों की चिंता कहीं इसलिए तो नहीं हो रही है क्योंकि इस बिल के आने के बाद सारा फायदा तो किसान ले जाएंगे, बिचौलियों और आढ़तियों का क्या होगा? क्योंकि ज्यादातर मंडियों पर तो नेताओं और प्रभावशाली लोगों का एकाधिकार है। इस कानून का विरोध तो वाकई गजब है गजब।